Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hope all are doing good and staying safe. So guys, first of all, though after a long time, मैं vlog बना रही हूँ. Last नितेश ने बनाया था, जो भी था last नितेश ने ही shoot किया था. उसके बाद मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ना कहीं आना जाना हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था vlogging करने का, पता नहीं क्यों, लेकिन let it be, sorry for that. और अब हम मतलब मैं vlog बना रही हूँ. Time हो रहा है 12:40 रात के 12:40 और हम जा रहे हैं प्रेरणा के फ्लैट पे रात को खाना देने, वो भी सिर्फ आखिरी बार. बताओ कैसा लग रहा है आपको लास्ट टाइम उनके साथ मिलके साथ जाके मिलते हैं ना चलके. अच्छा गाइस, आज ये बस लास्ट टाइम होगा जो हम उनके फ्लैट पे जा रहे हैं, उसके बाद हम कभी उसके फ्लैट पे नहीं जाएंगे. और ये बस आखिरी बार जा रहे हैं, और क्योंकि वो भी आज ही गए हैं अपने फ्लैट पे. वो भी आपको बताएंगे कि क्यों जा रहे हैं. हाँ, वो भी आपको बताएंगे कि हम सिर्फ आखिरी बार क्यों जा रहे हैं, लेकिन तब उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा. मैं एंड में आपको बताऊंगी कि हम लास्ट टाइम मतलब लास्ट बार प्रेरणारों से क्यों मिल रहे हैं उनके फ्लैट. अभी तो फिलहाल मैं उनके लिए खाना लेके जा रही हूँ. फुलके तो उसने बना लिए हैं, लेकिन सब्जी अब इतनी रात को, क्योंकि वो भी रात को गए थे फ्लैट पे, वो भी वजीराबाद थे. तो फिर उन्होंने कॉल किया जीजू ने कि यार आ रही है, तो मतलब खाना सब्जी ले आई हो, तो भाई चलो ठीक है. ऐसे ऐसे मैंने कहा चलो ठीक है आ जाते हैं. तो वैसे भी बाहर ही थे. हाँ, हम तो वैसे भी बाहर ही थे, घूमने निकले थे. मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि बाहर चलो. और अभी भी मेरी तबीयत खराब, पता नहीं अभी भी मेरी तबीयत खराब है कि मुझे एसिडिटी हो गई है. वॉमिट, जो भी खाया सब कुछ वॉमिट कर दिया है मैंने. अभी भी वॉमिट जैसा मन हो रहा है. अब देखो दवाई लूँगी उसके पास होगी तो वहाँ पर जाके. और आप मुझे देख सकते हो मैं कितनी वीक हो गई हूँ, और मेरा मतलब कलर भी बहुत डल हो गया है. तो अभी हम जा रहे हैं, बस पहुँच गए हैं, 10 मिनट में हम पहुँच रहे हैं उसके पास. फिर आपको मिलवाती हूँ, दिखाऊंगी, और ये आखिरी बार होगा. तो अच्छे से देख लेना आप भी, और इस ब्लॉग को पूरा देखना. गाइस हम पहुँच गए हैं सोसाइटी के अंदर. हमारी गाड़ी देख लो कितनी गंदी हो रही है क्योंकि ये सर्विस पे जानी है. 20,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं. तो सर्विस पे जाएगी तो सड़ा के धोगे यार उनको. अच्छा मेहनत तो कर ली है, पैसे लेगा तो इस बार तो पेड सर्विस है. हां इस बार हमारी पेड सर्विस होगी. 1 साल हो गया. देख लो गाइस भारत सिटी, इसका बर्थडे भी गया गाड़ी का. हां गाड़ी का, मेरी गाड़ी का बर्थडे भी गया. मनाया नहीं यार आपने, वैसे तो बहुत गाड़ी गाड़ी करता बेचारी का. मेरी बेबी का बर्थडे भी नहीं मनाया आपने. ये तो पता है कि हम आ रहे हैं, ये नहीं पता है कि मैं पहुंच चुकी हूँ और मैं भी ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी ना, ऐसा कुछ था भी नहीं सीन. गाइस प्रेरणा गाड़ी ले आई, प्रेरणा ने मुझे बताया भी नहीं. प्रेरणा की किया खड़ी है इधर, ये देखो. अरे यूपी की नंबर प्लेट ले ली यार, इसने बताया भी नहीं आया था. और गाइस इनके अपार्टमेंट में टेंट लगा हुआ है, प्रेरणा ने पार्टी भी दे दी की होगी. गाइस अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है. हेलो हवा चल रही है गाइस बहुत तेज. तो गाइस हम आ गए हैं. गाइस इनके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि ये थोड़ा खुला एरिया है ना यहाँ का, इस वजह से. आगे हम ये भी ब्लॉग बना रहे होंगे है ना. नितेश आपने मेरा चेक नहीं कराया ना दांत यार, मेरे दांत में देखना अभी भी हो रहा है. तुम्हें तमीज नहीं है, खुद व्लॉग बना रही है. तुम्हें तमीज नहीं है मुझे बता था तुम यही बोलोगे देख के. गुड नाइट भाई साहब. यार जीजू खुद व्लॉग बना जा रही है क्योंकि गाइस मुझे पता था ये उनका ड्रेस पहन के आएगी बच्चों वाला, और बोलेगी व्लॉग भी बनाना. क्या रहा है जीजू, सब्जी लाया वो भी बह का बहन. हाँ आज मैं बहुत ज्यादा बोल रही थी ब्लॉग मत बनाइए क्योंकि आज मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाया है. अच्छा तो कॉल पे मेरे को बोल रही बहन तू ब्लॉग मत बनाइए, क्योंकि ना मैंने गाइस को बता दिया है कि हम आखिरी बार तेरे फ्लैट पे आए हैं. अच्छा
इसलिए मैंने कहा चलो भाई दिखा देती तुम्हें इनके अपार्टमेंट आखिरी बार, मिल लो गाइज यही प्रेरणा। पर प्रेरणा कहाँ जा रही है, फ्लैट से मिलवा। हाँ गाइज हम आखिरी बार इसके फ्लैट पे आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों। देख लो गाइज आप जी भर के देख लो गाइज इसके फ्लैट को, मैं तो इसके बाथरूम बहुत मिस करूंगी यार। गाइज मैंने अपनी दवाई तो ले ली है, जाना तो हमें 24/7 था, लेकिन 24/7 से पहले अपोलो मिल गया तो मैंने अपनी दवाई वहाँ से ले ली, और अभी वो लोग गए हैं 24/7, उससे थोड़ा सा ही आगे था। मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं बैठी हूँ गाड़ी में और वो लोग गए हैं 24/7, और अंधेरा हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं अपनी आँखें घुमा लूँ तो मेरे शीशे के यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, क्योंकि आगे पूरा सुनसान रोड है और मुझे डर लग रहा है अकेले, अब पता नहीं लोग कब आएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अकेली मैं क्या करूँ, बहुत टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे वो लोग। एक सामान को बोल के जाते हैं, आपको तो पता है जब मॉल्स वॉल्स में जाते तो यही होता है कि लेने से एक सामान जाएंगे, लेकिन फिर याद आता है ये भी ले ले वो भी ले ले, तो यही सीन होता है, हर किसी के साथ होता है ये। गए तो हैं, आ गए शायद, नहीं कोई और है वो तो। देखो गाइस प्रेरणा गुस्सा हो गई और ये जो अपने लिए चीज लेके आई थी यहाँ फेंक के चली गई। पता नहीं जीजू ने क्या कह दिया इसको क्या नहीं, और ये यहाँ चली गई, गुस्सा हो गई। अब जीजू इसको मनाने गए हैं। अरे कहाँ चले गए, गाड़ी के पीछे। गाइस इनकी हरकत देख लो, रात को 3 बजे सोसाइटी में क्या कर रहे हैं। तमीज नहीं है क्या तुम्हें, बदतमीज लोगो तुम्हें तमीज। गाइस टाइम कितना हो रहा है, 1 बज रहा है, इंतजार में बैठे हैं। और गाइस ये मैं भी उठी हूँ, रात से मेरी तबीयत खराब है, और उठते ही मुझे कह लिया परांठे बना चल। ये कैसी बेरहमी है जी मेरे साथ जो ये कर रहे हैं, जो काम बोलो आप बोल क्यों नहीं रहे अपनी बीवी को। रात से मेरी तबीयत खराब, मुझे उठते ही कह लिया कि परांठे बना चल, जब कुछ काम होते तबीयत खराब हो जाए तू मेरे लिए कॉफी बना के ला, एक मुक्का मारो कुछ बनाने। बोलो सारा दर्द सेट कर दूंगी, कॉफी बना के लाएगी मेरे लिए। तू मेरी बहन नहीं है, तू मेरे लिए नहीं कर सकती कुछ, तू रात को तो गई थी फिर वो दिलाने वहां पे घूमने के लिए गई थी है ना, जानबूझ के मेरे को सुनना आता ना बोलना आता। पम्मी जी जो बोल लो ना, ये बैग कहीं देख ले कितने ज्यादा बेरहमी है, कैसे वो कह रहे हैं मेरे। जा रही हूँ मैं अपने घर, बाय। निकल 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 निकल, बोलो सारे बोलो। मेरी तबीयत खराब है और प्रेरणा मेरे लिए चॉकलेट लेके आई है, थैंक यू सो मच बहन, मतलब तू इतनी अच्छी है यार, लव यू बहन, लव यू। गाइस मैं रात से इससे बचा रही हूँ, कुतिया ने मेरे चिप्स भी खा लिए। गाइस मेरी तबीयत खराब है, प्रेरणा इतनी इतना ध्यान रखती है, मेरे लिए चॉकलेट लेके आई है, वाओ, ताकि मुझे अच्छा लगे। मैंने सोचा रुपेश पैसे देगा या पम्मी पैसे देगा, तो 230 रुपए का सामान दिया था, फिर मैंने 520 का कर दिया, बाद में दोनों के फोन पे नहीं चले, मुझे धीरे दुख हो रहा है, इसी डर में चॉकलेट भी नहीं। कुछ भी हो यार वैसे, थैंक यू प्रेरणा फॉर दिस, थैंक यू सो मच यार, लव यू, ये इसके लिए लव यू। चाय बना गाइस, ये अभी परांठे बना रही है और चाय मैंने चढ़ा दी, और ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। गाइस मैं जा रही हूँ, मेरा पूरा भी तो नहीं हुआ ना शायद अभी, कोई नहीं मैं जा रही हूँ, अब मुझे जाना है। अबे नहीं यार छोड़, अब क्या करूँ, टाइम वेस्ट होगा फिर। जी जो हम जा रहे हैं, बाय, ये हमारा आखिरी बार मिलना हो रहा है फ्लैट पे, फ्लैट पे
जीजू आखिरी बार आए हम फ्लैट में, अब नई जगह मिलेंगे, नई जगह नए फ्लैट। हाँ चलो बता ही देती हूँ ना। तो गाइज हम आखिरी बार फ्लैट पे यहाँ पे इनसे इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि अपना फ्लैट चेंज कर रहे हैं, है ना। तो गाइज ये मम्मी जीजू यहाँ से अपना फ्लैट चेंज कर रहे हैं। रीजन तो इनको आपको अपने ब्लॉग में दे, क्योंकि दूर पड़ता है, यही है ना जीजू। हाँ इन्होंने फ्लैट भी ले लिया, अपना फ्लैट चेंज कर लिया। अब इन्होंने लिया है, नहीं बताऊंगी वो तो मैं, अपने घर के नियर बाय लिया है ताकि जीजू को अपना घर भी पास पड़े, वो जगतपुर भी पास पड़े, वजीराबाद भी पास पड़े, है ना जीजू। ये बहुत दूर पड़ता था बिल्कुल दिल्ली को छोड़कर यूपी, तो इसलिए अब जीजू ने चेंज कर लिया, इसलिए ये आखिरी बार फ्लैट पे आना हुआ है हमारा। फिर अब इनका नए फ्लैट तोड़ेंगे, है ना जीजू। अब वहां पे पार्टी से लग रही है। हाँ पहले तुम शिफ्ट कर लो, अभी तो तुम घूमने जाओगे, उसके बाद आगे शिफ्ट करोगे ना। 14 तारीख को हम जा रहे हैं अमृतसर। हाँ ये 14 तारीख को कहाँ जा रहे हो? अमृतसर जा रहे हैं 14 को, 17 को मेरी एनिवर्सरी है, देखेंगे क्या प्लान। ये तो कह रहे हैं कि तुम 2 दिन घर में रहना, उसके बाद आके पार्टी करेंगे, कि तुम मतलब हमारे पीछे से कुछ मत करना, सारे मिलकर एक साथ पार्टी करेंगे तो मजा आएगा ना। हाँ तो फिर देखेंगे गाइस, और बाकी अभी तो कोई प्लान है नहीं मेरी एनिवर्सरी का, बाकी जब ये लोग आ जाएंगे तब देखेंगे, और घर में मना लेंगे थोड़ा बहुत जो करना है हमें। फिर अभी ये जा रहे हैं टाटा गुड बाय, तुम्हारे सामान भी उठवाना है क्या यहाँ से? अपने उठा लो, वही तो कह रही हूँ। हाँ है ना, चलो ठीक है, हम इनका सामान उठवाने आ जाएंगे गाइस। और ये इसीलिए हम लास्ट बार इसलिए आए थे फ्लैट पे, क्योंकि अभी चेंज कर रहे हैं हम, फिर नए फ्लैट पे मिलेंगे इनके साथ, इनके न्यू फ्लैट पे, है ना। और गाइस अब मैं जा रही हूँ अपने घर, और ये लो 14, आज 12 है, कल अपनी शॉपिंग पैकिंग वैकिंग करेंगे, और फिर 14 को चले जाएंगे अमृतसर, फिर ये वहां से आएंगे 18 को, है ना। फिर ये 18 को आएंगे, फिर हम उसके बाद इनसे मिलेंगे। अभी फिलहाल क्या हो गया? अभी फिलहाल मैं भी अपने घर जा रही हूँ, और उसकी भी सुन लेते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया। अच्छा गाइस ये देखो इसको, ऐसे ही चला, ये देखो गाइस रिक्शा पकड़ के स्केटिंग कर रहा है। उसे देख लिया, उसको ब्लॉग बना तो यही देखने लग गया। डर भी ना लगता यार इतना है, मैं तो गिर जाऊँ, मेरा तो मुंह ही लग गया सीधा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना इनकी भी। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं, और अभी पहुंच, अभी ट्रैफिक देखेंगे, ट्रैफिक मिलेगा आपको लग रहा है, बाकी देखते हैं। बस यार जल्दी से चेंज कर लेंगे, पता यही होता है यहाँ पे, आ तो जाते हैं रात को इजीली, लेकिन फिर जाने में ट्रैफिक मिलता है बहुत। मेरे पापा इन लोग मुझे हमेशा बोलते थे कि मेरे लिए लड़की ढूंढो, मेरी दूसरी शादी कराओ, दूसरी शादी कराओ। तो मैंने फाइनली आज अपने पापा के लिए लड़की ढूंढ ली है, और मैंने सोचा है कि मैं इससे रिश्ता करा सकती हूँ पापा का, ये देखो। तो गाइस आप कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपके, आपको भी पापा के लिए स्माइल तो बहुत अच्छी है। सुबह उठते ही पापा अपना चाय की जगह उसका दिखा दिया करेगी ना, खुश हो जाया करोगे। अच्छा पैसे भी इकट्ठे कर लिए पापा ने, तो चलो शादी के दुल्हन को लेने चलो। सो गाइस इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे, होपफुली आपको पसंद आएगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।